हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया पप्पीज ऑफ अड्डा। तो बिहार पुलिस का वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो गया। 20 तारीख से आप लोग फॉर्म भरोगे और 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक आपको समय दिया जाता है, लेकिन 20 जुलाई से 5 दिन पहले तक फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद रिजेक्ट होने का चांस रहता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हेल्प मिलती है तभी कीजिएगा, मेरे लिए मत कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। खैर, उससे पहले मैं आज इस वीडियो में फिज़िकल के बारे में बात करूँगी। फिज़िकल आपको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, देखो हल्के में मत लेना। फिज़िकल को जो स्टूडेंट हल्के में लेता है ना, तो भाई उसकी नौकरी हल्की हो जाती है। अब बताओ मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, बताओ। फिज़िकल देखो, अधिकतर स्टूडेंट को लगता है दौड़ तो कोई लेता है, जंप तो कोई कर लेता है, गोला तो कोई फेंक देता है, जबकि ऐसा नहीं है। पता है, फिज़िकल उतना ही, मैं डरा नहीं रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। वक्त से पहले अगर आप सच से रूबरू हो गए ना, तो आपको मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। यस यू ना कमेंट्स करना, ठीक है। देखो, फिज़िकल पढ़ाई और फिज़िकल में बहुत डिफरेंस है। पढ़ाई बैठ के होती है, दिमाग की खर्च होती है, लेकिन फिज़िकल में, फिज़िकल एक ऐसा वर्क है जहाँ आपको दिमाग बॉडी दोनों की ज़रूरत होती है। एक एक बात मैं आपके मन की बात करूँगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। फिज़िकल और पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। पढ़ाई जो होती है, यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। आज अगर ये सोच लोगे मुझे 4 घंटा पढ़ाई करनी है, तो 4 घंटा आप कर लोगे। ऐसे आपसे अगर आप जो काम सोच लोगे, वो सब तो आदमी ही करता है ना, हाँ आदमी ही करता है। तो फिज़िकल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिज़िकल डिफ़िकल्ट इसलिए मैंने किया था 11,880 में। मेरा हेल्थ थोड़ा वीक ही रहता था, कमज़ोरी में रहती थी हमेशा, लेकिन कहते हैं ना, अगर इरादे में दम हो तो मंजिल भी छुपा कर। बात करें हम फिज़िकल का, फिज़िकल आप जब करना तो जा कर के फील्ड पे 10 राउंड पहला दिन मत मारना। मैंने किया था, पता चलने तक में तकलीफ़ हो रही थी, बाथरूम में बैठने के बाद उठा नहीं जाता था। लोग कहते हैं ना, नौकरी ऐसी हो जाती है, बिहार पुलिस की नौकरी ऐसी हो जाती है मेरे दोस्त। ऐसा कुछ नहीं है। एक फील्ड पे मैं गई थी, मधेपुरा का एक मेन फील्ड था, उस पर मैं गई थी और कहा था, भगवान मिलना मुश्किल, भगवान मिलना आसान है, लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल है। लेकिन नहीं, ये बात गलत है। अगर आपके इरादे में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। बात करें हम फिज़िकल, तो फिज़िकल अगर आपको लगता है मैं पढ़ाई और फिज़िकल को दोनों सीक्वेंस में लेके चल सकती हूँ मेंटेन में, तो आप कर सकते हो। आप दोनों चीज़ कर सकते हो। और फिज़िकल कैसे करना है, देखो फिज़िकल को हावी नहीं होने देना है। मॉर्निंग में जगना है 5 बजे, मतलब आपको अगर जितना बजे जगने की आदत है, 4 बजे, 4:30, 4 बजे आप जगो और वॉक करो। सिर्फ ये जंप करना चाहिए, ऐसे हाथ हो करके ये जंप करना चाहिए, और जिस दिन आपका रनिंग बन जाएगा, जंप भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका रनिंग में ब्रेथ बढ़ना चाहिए, सांस, दम होता है दम। मैं तो 2-4 चूर्ण भी यूज करती थी, मेरे को तो डॉक्टर बोल दिया था हड्डी कमज़ोर है, तुमसे नहीं होगा। मैं एक दिन में करीब 4-4 टेबलेट खाती थी दर्द का। सब कहते थे बॉडी ख़राब हो जाएगी, लेकिन मैंने उसको भी नहीं देखा। मुझे जो करना है, मेरे कामों में कोई दखल अंदाजी देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इतना एलिजिबल हूँ कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और मेरे घर वाले काफ़ी है मुझे डिसीजन में साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। आप कुछ भी मत करना, अगर आपको लगता है, देखो ज़्यादा समय दिया नहीं जाएगा। फिज़िकल हमेशा विंटर सीजन में होती है, समर में होती नहीं है। फरवरी तक फिज़िकल करा लिया जाएगा, फरवरी मार्च तक आप देख लेना। 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी वॉक करना,
बस थोड़ा थोड़ा, एक दिन फर्स्ट दिन वन राउंड होना चाहिए, सेकंड मतलब ऐसे बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना, फिर फिजिकल आपका अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई फिजिकल अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिएगा। फिर मैं गोले और गोला कैसे फेंकना है और जंप भी कैसे करना, उस सब पर भी मैं वीडियो बना दूँगी।